रूल नंबर 9, चीज़ों को करने से पहले महसूस करें। क्या आपने कभी ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी को देखा है जिसके ऊपर आखिरी गेंद में टीम को जिताने का दबाव होता है? आप क्या सोचते हैं कि वो खिलाड़ी उस क्षण क्या सोचता होगा? उस वक्त उस खिलाड़ी का दिमाग अधिकतम क्षमता के स्तर पर होता है। वो खिलाड़ी उस वक्त अपने आसपास चल रहे हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में जानकारी रखता है। उसके कानों के पास से जा रही हवा की गति, सामने वाले गेंदबाज के चेहरे के हाव भाव, चाल, गति, इन सब पर बल्लेबाज की नज़र होती है। ये परिस्थितियाँ ही ऐसी होती हैं कि उस खिलाड़ी के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें महसूस करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेखिका का एक और दोस्त है रिचर्ड, जो लंबी मैराथन में हिस्सा लिया करता है। न्यूयॉर्क में होने वाली एक महत्वपूर्ण मैराथन के लिए रिचर्ड काफ़ी समय से अभ्यास कर रहा था, मगर उस मैराथन के कुछ हफ्तों के पहले ही एक चोट के कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। डॉक्टर ने उसे कुछ हफ्तों के लिए आराम करने को कहा और किसी भी प्रकार से हलचल करने से सख्त मना कर दिया। इसी कारण रिचर्ड मैराथन के 2 दिन पहले तक बिल्कुल भी चल नहीं पाए और इसीलिए वो मैराथन के लिए अपना अभ्यास पूरा नहीं कर पाए। उनके सभी दोस्तों ने, जिनमें लेखिका भी शामिल थी, उन्हें मैराथन में हिस्सा ना लेने की सलाह दी, मगर इसके बावजूद रिचर्ड ने ये तय कर लिया था उन्हें इस मैराथन में हिस्सा लेनी ही है। जब उनके दोस्त ने उनसे कहा कि उन्होंने तो मैराथन की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तब जवाब में रिचर्ड ने कहा कि वो जब अस्पताल में भर्ती थे तब उनका शरीर बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर उनका दिमाग तब भी मैराथन की तैयारी कर रहा था, इसी कारण वो मैराथन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बात सुनकर सबको बहुत हैरानी हुई, मगर जब मैराथन शुरू हुई तब रिचर्ड ने बेहद उम्दा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी पिछली सभी मैराथन से भी बेहतर प्रदर्शन करके मैराथन को पूरा किया और जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने ये कार्य कैसे किया, तब उन्होंने जवाब दिया कि जब से उन्हें चोट लगी थी तभी से उन्होंने अपने दिमाग को इस मैराथन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। इसी बात से आती है हमारी अगली सलाह, और वो ये है, किसी भी काम को करने से पहले आप उसे अपने दिमाग में अच्छे से सोच कर रख लें। आप उस कार्य को किस तरह से करने वाले हैं, इस चीज़ को आप बार बार अपने दिमाग में सोचें। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से आपका दिमाग उस कार्य को करने का आदी हो जाएगा। आप हमेशा ये सोचें कि आप लोगों से बात करने में बेहद सहज हैं, आप हमेशा आत्मविश्वास के साथ चलते हैं और आप लोगों को बेहद ध्यान से देखते हैं। जब आप लगातार ये चीज़ें अपने दिमाग में सोचेंगे तब आपका दिमाग थोड़े ही समय में इस चीज़ को अपना लेगा और फिर आपका शरीर भी इसके अनुसार ही कार्य करने लगेगा। तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।